बॉडी बिल्डिंग में या फिर बहुत अच्छी फिजिक डेवलप करने में होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च, तो वो पैसा कहाँ से आए? तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग या फिर बहुत अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए पैसे, या फिर आपके पास होना चाहिए साइड बिजनेस, या फिर आपके पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आपकी बहुत अच्छी इनकम हो। तो बॉडी बिल्डिंग में अगर आप प्रोफेशनली कम्पीट करते हो तो कम से कम 20K to 30K मिनिमम से मिनिमम आपका इतना खर्चा आता ही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या बिज़नेस होने चाहिए या फिर आप क्या बिज़नेस कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ पर्सनली जिससे कि मैं अपने बॉडी बिल्डिंग में पैसा खर्च कर पाता हूँ। तो चलो देखते हैं। Hey guys, this is Ankit Katiyar. Welcome to my YouTube channel. और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि how to earn money for bodybuilding और अच्छी फिजिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैं वो पैसे कहाँ से अर्न करता हूँ? तो मैंने नया बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। और कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके लिए प्रो टिप है कि आप उसको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, क्योंकि हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर लगती है, तो आपको उसको बहुत लो करके रखना है। तो मैंने स्टार्ट किया है बॉडी पावर, जी हाँ, बॉडी पावर न्यूट्रिशन का, वे प्रोटीन का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं इसको बहुत लो इन्वेस्टमेंट से अराउंड 50 to 60K के अराउंड मैंने इसको स्टार्ट किया है। और कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उसकी पोटेंसी देखो कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और आपकी उसकी क्वालिटी क्या है कि आप दूसरों से अच्छा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे सर्विस, या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उसकी अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैंने इसको बहुत वाइजली चूज किया कि बॉडी पावर न्यूट्रिशन बहुत बड़ा ब्रांड है, इम्पोर्टेड है। ये सब आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि आप उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं जिम लाइन से फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, तो फिर मैं फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ सारे बिजनेस करता हूँ। तो ये मेरा पहला बिजनेस है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो मैं आपके और आगे बिजनेस बताऊँ कि मैं और क्या क्या करता हूँ अर्न करने के लिए। तो जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और आपकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हो जाए तो आप ऑनलाइन PT दे सकते हो, तो उसके आपको काफ़ी अच्छे चार्जेस मिल सकते हैं अगर आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। और अगर आप लोग आपको अगर एडमायर करते हैं तो आप बहुत अच्छा ऑनलाइन PT से थोड़ा बहुत अपना निकाल सकते हो, और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो। मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग काफ़ी देता हूँ, तो वहाँ से मेरा काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स है कि आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग दोगे तो उसमें अच्छे आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो बिजनेस था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो उसमें मेरा ये काम था कि मैं होलसेल पे मेडिसिन सप्लाई करता था। तो अभी तक मैं वो काम कर रहा हूँ, तो उस जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ, तो उससे अच्छी खासी इनकम भी आपकी आ सकती है। पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल होने चाहिए। हर जगह आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी, चाहे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपकी फेस वैल्यू काम आएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर आपके पास कोई इनकम ऑलरेडी कोई इनकम सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो आपकी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी कोई भी आप कभी बिजनेस में कभी चीटिंग नहीं कर सकते, याद रखना। तो ये मैंने जो सप्लीमेंट्स का काम स्टार्ट जो किया है इसमें मेरी फेस वैल्यू बहुत काम आती है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा मैं सप्लीमेंट दूँ, और वो बिना कुछ क्वेश्चन करे वो मुझसे लेते हैं सप्लीमेंट। तो आप देख सकते हो, और मेरा ट्रस्ट और उनका ट्रस्ट बराबर है, आपस में एक दूसरे में बहुत अच्छा ट्रस्ट है। तो अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा हर बिजनेस में। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओवर एंड आउट, पीस आउट।